हाय फ्रेंड्स, मु अंकिता आपण मानक स्वागत करछि जपसम किचन चैनल को। तो आज आम बनेबा आम कटक रो फेमस दही बरा आलुदम, जोटा कि आपण माने घरे बहुत सहज रे आ बहुत अल्प समय रे बने कि खाई परबे। तो रेसिपी जानिया पई मो वीडियो टी को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु। चालंतु आज रो वीडियो टी को स्टार्ट करबा। मु एठी बरा करिया पई बिरी को 4 रु 5 घंटा बतुरी कि ताकु भल भाबरे बाटी कि नै जाइछि। जेहेतु आम ये दही बरा करवा से आम बराटा साधा बनवा एमें पिज पकईबानी। आवश्यक अनुसार लुण आउ सोडा पकईने हाथ में अल्प पा नहीं कि बिरीटा को भल भाव फेणे नौ। आम जब बिरीटा को भल भाव फेणेबा तो बराटा बहुत सफ्ट हे आ बहुत बढ़िया भाव में फुल गरम होगा। मुझ हाथ में अल्प पा नहीं कि बिरी अल्प अल्प आणिकी सेटा को तेल रे पके नौछि। आपण जदि एमती हाथ रे न करि परिबे तहले आपण जरी साहाज्य रे नहले कदळी पत्र रे टिके पानी लगे कि बिरी ने कि बडा पके परिबे। एई भोली बाबरे मु सब बरा पके नैछि। गोटे साइड हे गला पारे मु ताकु आर साइड को लेउटे नौछि। देखंतु एठी हमर बराटा बहुत बडा भाबरे हे गलाने। तो चालंतु आकु एबे काढि नबा। मुटा को हल्का गरम पानी ही पकई आपटा चाहिए नॉर्मल पानी रे भी पकई पारे। किंतु आपत जब इंस्टेंटली खायापी चाहूबे तेल आपको अध घंटा गरम पानी रे पकई घोड़ रखिदे। मुझे प्रथम दहीटा को भल भाव गोल आपण मैंने भी दहीटा को भल भाव गोल ने दहीटा टी खंड खंड रही। आम ए पा पकईवा आपण आपणकर जी रखापी चाहूबे थिकनेस से हिसाब से पानी पकईबे। तापर टिके गोल नवा आवश्यक अनुसार लुण पकईवा जेहेतु आम बरार लुण पकई देखिकी पकईवा। तो देखते ये आम दही बराटा बहुत बढ़िया भाव में फुलीगला। तो चलत यू आम ए दही पकई नवा जेहेतु ये आम बराटा बहुत समय है पाने भिजिकी बहुत नरम अच्छी। तो जमी मुझे करुच्ची दी हाथ में ताकू धीरे धीरे दबेकि नौछे आपण से भाई भाव ही ने। देखु मुझे गोटे तड़का पैन नहीं जाइए तेल गरम है पंच फुटण देली। आपड़ जब पंच फुटण खाते जीरा और सोरस पकेबे। फुटण फुटिगलापर मुझे किसी सुखला लंका पकईदेली। आपण जदि भूर्षंग पत्र थाए ते पकई ने। फुटणटा अल्प थंडा गलापर आम फुटणटा को दही बरार पकई नवा। आपण जदि आंब कषी गजा थाए ताले ताको टिके छेचिके पके नेबे बहुत बड़ा फ्लेवर आसीबो। लास्ट रे मु एटी गोटे चम्मच जीरा लंका गुंड दही बरा उपरे पके नेछि। या द्वारा दही बरा टी बहुत बढ़िया लागिबो। आलुदम बनेया पई मु आलु को सिझेकी छोटो छोटो खंड करी काटिके नै जाइछि। अदर रसुण रो पेस्ट नेछि, टमाटो पेस्ट नेछि आ प्याज रो पेस्ट नेछि। आज आम घी आलुदम बनवा से मुझे दुई रु तीन चमच घी नहीं जाइए। आपड़ चाहिए तेल नहीं पारे। घी गरम है जीरा पकई नहींपर मुझे दीटा लंका खंडे डालचीनी आउ गोटे तेजपत्र पकई नहीं दस सेकेंड खंडे टे चल टे भाजीगलापर आम जो पिजर पेस्टा बनई रखी थे सहीटा को पकई नवा। तापर ताको आम ये गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत टिके भाजी नवा। ये मुझे घी एपी कारण आप घी आलुदमटा बनइबे तार फ्लेवरटा बहुत ही बढ़िया आसब। तो देखते ये आम पिजटा बहुत बढ़िया भाव में भाजीगलापर आम जो अदा और रसुण पेस्ट रखे से पकईकी 40 रु 50 सेकेंड जाए हाई फ्लेम टिके भाजी नवा। ये आम रसुण और अदा बहुत बड़ा भाव में हो गला। मुझे टमाटो प्यूरी पकईनेली टे समय चल मुझे स्वाद अनुसार लुण नहीं देखिकी पकईबे कारण आम आलुटा सीझेला बेले से ही लुण पकई टे चल। देखु ये आम मसलाटा 70 रु 80% हो गलापर आम जो मसला गुंड पक कथा से पकई नवा। मुझे गोटे चमच नहीं सब्जी मसला तापर गोटे चम्मच धनिया पाउडर आउ अधा चम्मच जीरा पाउडर। मुझे अधा चम्मच नहीं लंका गुंड कारण मुझे जेहेतु लंका पकई से मैं अधा चम्मच लंका गुंड नहीं। तो चलते यू भलरे गोल नवा। देखो ये मसलाटा टी सुखिला
तो सेपाई कि मुझे अल्प पा पकईकि गोल मुझे अल्प कस्तूरी मेथी नहीं कि हाथ में क्रस कर पकई नहीं गोल नवा आपर आम मसला को ये 4-5 मिनिट कषापी छाड़ नवा ये मसलाटा बहुत बढ़िया भाव में कषिगला सैड्रु तेल भी छाड़ला तो तापर जो आम आलुटा को सीझे रखी से आलुटा को पकईकि घाटी नवा तापर आम आलुटा को मसला सहित तो गोटे मिनिट कषा आम तापर गरम पानी ये पकेबा। देखते ये आम मसलाटा कषिगला मुझे से गरम पानी गोटे ग्लास पकईने मुझे घाटी नौपर आम ये पकेबा गरम मसला एवं आम ये गरम मसला पकईनापर आम ये फुटापी छाड़ा। देखूँ आमर ये तरकारी बहुत बढ़िया भाव में फुटी जाइए मुझे किसी कटा धनिया पत्र पकईकि भल भाव गोल एवं तरकारी रेडी चलत ये सर्व करवा। गोटे प्लेट्रे प्रथम दहबरा को काढ़ी नहींपर आम आलुदम पकईनवा तापर टिके आम ये दही पकई नवा अल्प जीरा लंका गुंड पकई नवा अल्प प्याज आउ जो धनिया पत्र काटिक रखी से पकई नवा लास्ट्रे आम जो सेव रखी से गुड़ाक पकई नवा। देखु ये आम दहबरा टी बनिक बहुत सुंदर भाव रेडी जदि आपण मानक मो रेसीपी भल लगी थाए ताहाले मो चैनल टी को सब्सक्राइब करिबे वीडियो टी को लाइक करिबे शेयर करिबे आउ मोते कमेंट करि आपण को मतामत जणाइबा पई जम्मारु भी भूलिबेनी। रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।